दोस्तों आपका संक्षिप्त पाठ्यक्रम ने डिड्यूस सिलेबस जो है सिक्सटी परसेंट का अकादमिक ईयर जो है आपका 2020 से लेके 21 तक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको उसमें आपका बारहवीं का जो रिड्यूस सिलेबस है वो आ चुका है चलिए देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से चीज़ें हटाई गई हैं मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी आप पूरा सिलेबस फिर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी इस वीडियो को थोड़े देर के लिए आप मेरे साथ बैठ करके आराम से देखिए और समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी कोर विषय है आपका पद्य खंड है आरोह टू से जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है आपको तो हरिवंश राय बच्चन जो है जल्दी जल्दी ढलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये आपका जो चैप्टर है ये आएगा लेकिन हरिवंश राय बच्चन में से आत्म परिचय को छोड़ देना है आत्म परिचय नहीं आएगा उसको छोड़ देना है उस टॉपिक को छोड़ देना है बस उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है आपका पतंग वाला ये नहीं आएगा तो इसको छोड़ देना है बिल्कुल ही छोड़ देना है अच्छा कुंवर नारायण जो है कविता के बहाने इसमें आपको सीधी बात सीधी थी पर इस टॉपिक को छोड़ देना है इस टॉपिक को छोड़ देना है केवल बात सीधी थी पर जो राइट हैंड में जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको छोड़ना है बीच में जो बताई गई है उसमें आएगा या नहीं आएगा और पाठ का नाम और पाठ संख्या देखिए आपको सामने सब कुछ लिखा हुआ है इस हिसाब से आपको समझना है अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आगे हम आपको उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ है तीसरा जो चैप्टर है आपका पूरा आएगा इसको पढ़ना है आपको कमरे में जो चौथा चैप्टर रघुवीर सहाय कमरे में बैंद अपाहिज जो है ये जो पाठ्यक्रम का चयनित पाठ है वो उसको आपको पढ़ना है मुक्ति बोध में सहर्ष स्वीकारा है ये आपको पढ़ना है शमशेर में उषा पढ़ना है निराला में बादल राग पढ़ना है इसी तरह से तुलसीदास में जो चीज़ हटाई गई है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस टॉपिक को छोड़ देना है नाइन्थ और टेंथ में आपको पढ़ना है लेकिन नाइन्थ में आपको गज़ल जो है उसको छोड़ देना है रुबैया में अब इसके बाद में जो दसवा है उसको बिल्कुल छोड़ देना है उमाशंकर जोशी नहीं आएगा और गद्य खंड आरोह टू की बात करें तो देखिए आपका महादेवी जैन कुमार धर्मवीर और नाथ रेणु ये सारे के सारे आएंगे इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है पांचवा जो है चैप्टर वो बिल्कुल नहीं आएगा विष्णु खरे और उसके बाद में छठा चैप्टर भी नहीं है रजिया सज्जाद ज़ाहिर जो है नहीं आएगा और सातवा चैप्टर है हाजरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये भी नहीं पढ़ना है छोड़ देना है आठवां है बाबा साहब अम्बेडकर इसको पूरा पढ़ना है वितान भि, टू से जो आपका पहला चैप्टर है वो पूरा आएगा मोहन श्याम जोशी जो सिल्वर वेल्डिंग वाला जो पूरा आएगा आनंद यादव वाला जू जूज जो है ये भी आएगा लेकिन तीसरा जो है ओम नाथवी अतीत में दबे दबे पाँव जो है नहीं आएगा छोड़ देना है चौथा है आपका वो पूरा आएगा उसके बाद में अभिव्यक्ति माध्यम आएगा अपटित बोध और, और रचनात्मक लेख लेखन भी आएगा हिंदी ऐच्छिक की बात करें तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे समझ चुके होंगे अब तक कि मैं क्या बताने वाला हूँ जयशंकर प्रसाद का जो है पाठ ये वाला आएगा लेकिन इसमें से देवसेना का गीत छोड़ देना है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से सरोज स्मृति को छोड़ देना है विष्णु खरे में से सत्य वाला जो टॉपिक है उसको छोड़ देना है और सातवां जो तुलसीदास है उसमें पद परिचय जो है पद को छोड़ देना है तो बाकी सब कुछ पढ़ना है जैसे कि अब चैप्टर नंबर थ्री जो है आगे ये नहीं आएगा तो छोड़ देना है और लिखा हुआ है आएगा या नहीं आएगा बीच वाले कॉलम में आप देख रहे होंगे और केदारनाथ सिंह ये भी नहीं आएगा तो इसको भी छोड़ देना है इसके बाद में देखिए दसवा जो चैप्टर है केशव दास इसको भी छोड़ देना है इसको नहीं पढ़ना है अब आ जाइए नीचे गद्य खंड अंतरा टू में से तो पहला और दूसरा दोनों आएंगे इनको पूरा पढ़ना है तीसरा और चौथा जो है आपका तीसरा सॉरी ब्रजमोहन व्यास इसको छोड़ देना है इसको नहीं पढ़ना है चौथा आएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये आएगा आपका उसके बाद में स नहीं आएगा साहनी गांधी नेहरू वाला जो है ये चीज़ नहीं आएगी इसको छोड़ देना है इसके बाद में जो आपका पाँचवा छठा और सातवां जो चैप्टर है वो आने वाला है आपका इसके बाद में आ जाइए आठवां चैप्टर जो है बिल्कुल हटा दिया गया रामविलास शर्मा वाला उसके बाद में ममता कालिया का जो है दूसरा देवदास ये आएगा इस चैप्टर को पढ़ना है दसवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटुज जो है इसको छोड़ देना है और अंतराल टू की बात करें तो अंतराल टू में जो है प्रेमचंद ये आएगा और संजीव नहीं आएगा इसके बाद में तीसरा जो है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी वाला ये आएगा प्रभाष जोशी वाला भी आएगा लेकिन इसमें क्या नहीं आएंगे अभिव्यक्ति माध्यम नहीं आएगा अपठित बोध और रचनात्मक कार्य सॉरी इसमें ये सारे आएंगे नीचे वाले ठीक है केवल एक चीज़ नहीं आ रहा है संजीव वाला बाकी सब आ रहे हैं हिंदी बाकी बात करें छित टू जो है चैप्टर पार्ट आपका उसमें से देखिए आपका पहला चैप्टर जो है आपका चित काव्य खंड सूरदास पद वो पूरा आएगा उसके बाद में तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देव समैया और जय प्रसाद ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी इसके बाद में पाँचवें में आ जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस ये आएगा लेकिन इसमें अट नहीं रही इस उपखंड को छोड़ देना है इस इस टॉपिक को छोड़ देना है या फिर ये कहिए कि आप इसका जो आपका कविता है इसको छोड़ देना है नागार्जुन जो है ये भी आएगा गिरजा कुमार माथुर ये भी आएगा ऋतुराज ये भी आएगा ये तीनों आएंगे लेकिन इसमें से आपको नागार्जुन में से फसल वाली जो है वो टॉपिक को छोड़ देना है फसल वाली टॉपिक को अब आ जाइए मंडलेश डबराल संगीत आ, संगतकार जो है ये चीज़ नहीं आएगी गद्य खंड की बात करें स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा ये पूरा आएगा रामपुरक्ष बेनपुरी ये पूरा आएगा यशपाल लखनवी अंदाज ये नहीं आएगा छोड़ देना है तेरवा है सर्व सर्व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये पूरा आएगा दिव्य चमक जो है आपका सर्वेश्वर मानवीय करुणा की दिशा चमक ये पूरा आएगा मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी ये भी आपका आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये नहीं आएगा और उसके बाद में सोलवा जो है आपका यतीन्द्र मिश्र ये भी आएगा लेकिन आपका सत्रवा है भक्तन आनंद को जो संस्कृति वाला है ये नहीं आएगा इसके बाद में व्याकरण एवं रचना भाग की बात करें तो इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका जिसमें संक्षेपण या सार लेखन मुहावरा लोकोक्तियाँ संज्ञा सर्वनाम शब्द रूप उपसर्ग प्रत्यय कर्ता ने चिन्हित का प्रयोग कर समास वाला ये सभी चीज़ें आपकी आएंगी अब इसके बाद में आ जाते हैं विषय इंग्लिश कोर इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा फिर आपके और भी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बढ़िया से समझना जरूरी होता है ये चीज़ें ताकि आप आराम से जो दो तीन महीने बच रहे हैं आप उसको पढ़ सकूँ तो इसमें आपका जो है रीडिंग सेक्शन पूरा आएगा जिसमें कंप्रीहसन आता है आपका उसके बाद में नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग जो है इसको हटा दिया गया है नोट मेकिंग समरी राइटिंग आपको नहीं पढ़ना है अच्छा शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस आपका आएगा लेकिन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मेकिंग और इन्वेंटेशन एंड रिप्लाइज ये नहीं आएंगे इनको छोड़ देना है आपको नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है अब लेटर राइटिंग की बात करें तो लेटर टू एडिटर ये आ सकता है आपका ठीक है ना आपको पढ़ना है ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा लेकिन बिजनेस लेटर जो है आपका आए नहीं आएगा सॉरी ऑफिशियल लेटर बिजनेस लेटर और लेटर फॉर ऑफ जॉब एप्लीकेशंस ये सब नहीं आएंगे इनको छोड़ देना है रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो आएगा इसमें आपका जो सेकंड है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है आर्टिकल राइटिंग जो है वो आपका आएगा और डिबेट जो है अगर आपका आता है वो नहीं आएगा ठीक है आर्टिकल राइटिंग तो आएगा लेकिन उसमें डिबेट जो आते हैं वाद संवाद वो नहीं आएगा अब डिबेट स्पीच जो जो मैंने अभी बताया आपको मना कर दिया स्पीच स्पीच भी नहीं आएगा टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से प्रोस द लास्ट लेसन तो लोस्ट स्प्रिंग डीप वाटर जो है ये दोनों आएंगे आपके तीसरा जो है आपका ये भी आएगा इसके बाद में द रेड ट्रैप ये नहीं आएगा इंडिगो आएगा आपका पोइट्स एंड प्रेंकल्स आएगा नहीं आएगा आपका द इंटरव्यूर पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों नहीं आएंगे गोइंग प्लेसेस आएगा पोइट्री सेक्शन की बात करें तो रिड्यूस सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ माई मदर एट सिक्सटीन सिक्स यस 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 ऐसे लिख रखा है जिन चैप्टर्स के आगे उनको पढ़ना है तो अब देखिए पहला दूसरा और तीसरा और चौथा ये चार के चार चैप्टर जो है वो आएंगे आपके पांचवा छठा और सातवा पांचवा छठा इन दोनों को हटा दिया गया अब टेक्स्ट बुक जो है विस्तस इसमें से पहला जो है द थर्ड लेवल नहीं आएगा उसके बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे आएंगे और फिफ्थ फिर से सुड विजार्ड हिट मोमी ये नहीं आएगा इसके बाद में सिक्सथ वाला आएगा ऑन द फेस ऑफ इट उसके बाद में सेवन्थ है इवेंट्स टाइस ऑन ओ लेवल ये नहीं आएगा चाइल्डहुड वाला जो है आपका आएगा अब इसमें से आपको एक टॉपिक हटा दिया गया है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ये टॉपिक आपको छोड़ देना है ये नहीं आएगा ठीक है ना ध्यान रखना आप जो चीज़ बताया मैंने इलेक्टिव में से आपको देखिए यहाँ पे यस नो यस नो लिखा हुआ है तो इसमें से अनसिन पैसेज यस आएगा अनसिन फॉइम नहीं आएगा ऐसे ऑन एग्रीकल आर्गूमेंटिव और डिस डिस्क्रसिव जो है ये आएगा, आएगा आपका ठीक है उसके बाद कॉम्प्रीहशन आर्टिकल रिपोर्टिंग में केवल आपका जो है ये सारा का सारा आता है लेकिन आर्टिकल छोड़ देना है स्पीच छोड़ देना है ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी बाकी सब कुछ आएगा एडिटिंग आएगा नरेशन आएगा टेक्स्ट बुक्स में से आपका जो है यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है ये आई स्मेल माई ड्रीम्स आएगा यहाँ से तीनों चैप्टर आ रहे हैं आई आई सेल माई ड्रीम्स और ईव लाइन और ए वेडिंग ये तीनों आ रहे हैं उसके बाद में टुमरो और वन सेंटीमीटर ये दोनों नहीं आएंगे पोइट्री में से बात करें तो आपका जो है ये लेक्चर अपोन वाला आएगा आपका पॉइंट्स बाय मिल्टन भी आएगा लेकिन पॉइंट्स बाय ब्लैक नहीं आएगा इसको छोड़ देना है और कुबला खान जो है ये आएगा ट्रीज नहीं आएगा द वाइल्ड स्वान्स आएगा टाइम एंड टाइम आएगा उसके बाद में ब्लड वाला आएगा और फ्रीडम वाला आएगा उसके बाद में द मार्क ऑन द वॉल ये नहीं आएगा छोड़ देना है फिल्म मेकिंग आएगा आपका वाई द नावल मैटर्स ये भी आएगा आपका उसके बाद में आर्गूमेंटिव इंडियन जो है इसको छोड़ देना है और ऑन साइंस फिक्शन ये भी छोड़ देना है इस तरह से आपका ड्रामा जो है इसमें चंद्र सॉरी चांद का जो है ये आएगा लेकिन ब्रोकन इमेजेस नहीं आएगा नोवेल की बात करें द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आएगा और अगर बात करें तो ए टाइगर फोर मालगुडी ये भी आएगा तो संस्कृत में इसी तरह से है आप इसको भी देख सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा हाना 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 लिखा हुआ है इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं अपठित बोध है रचनात्मक कार्य है अनुप्रयुक्ति या व्याकरण जो है उसमें से भी जो टॉपिक नहीं आएंगे मतलब कुछ जो होते हैं ना आपके कि बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन उसमें छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक होते हैं या सब टॉपिक्स बोलते हैं तो जो राइट साइड में लिखा है ना उपखंड जो चयनित नहीं हुए हैं देखिए यहाँ पे राइट साइड में लिखा है उपखंड जो चयनित नहीं हुए हैं तो इनको नहीं पढ़ना है आपको राइट वाले कॉलम में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो नहीं पढ़नी है आपको राइट साइड के कॉलम में लास्ट में राइट साइड वाले लास्ट कॉलम में कॉलम यानी कि डब्बे में जो चीज़ लिखे हैं उनको नहीं पढ़ना है आपको ठीक है इसी तरह से ये उर्दू हो गया और भी जो विषय हैं वो हैं तो जो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस uh, जिन स्टूडेंट्स ने लिए ले रखी है तो वो क्या करें यहाँ से हमारे न, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इन विषय को आराम से देख लें इसमें साफ साफ लिखा है क्या क्या क्या, क्या पढ़ना है आपको इसमें से ऐसा नहीं लिखा कि ये टॉपिक हटा दिए गए ये टॉपिक पढ़ना है इसमें सीधा सीधा लिखा है आपको ये सही चीज़ें सारी पढ़नी है बस ये चीज़ें जो है जो यहाँ लिखी है वही चीज़ें पढ़नी है तो इस तरह से ये पूरा का पूरा है अब आ जाइए नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जो आपके बहुत सारे हैं हिस्ट्री कॉमर्स साइंस हिस्ट्री और जोग्राफ़ी आपका अकाउंटेंसी आ, और भी जो सब्जेक्ट है वो सारे के सारे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब वो रहे कि हाँ आपको पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है तो चलिए मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको ये तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें सिलेबस जो दे रखे हैं वो आपको देख लेना चाहिए चलिए अभी हम देखते हैं इसके बाद में जो मैथमेटिक्स है वो भी आ जाएगा तो मैथमेटिक्स के बाद में आपका जो है हिस्ट्री वगैरह भी आ जाएगी ज्योग्राफी भी आ जाएगी आर्ट्स कॉमर्स के लिए सबके लिए है ना इसमें इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा तो मैं वीडियो को लंबा ना करके केवल आपको फटाफट समझा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो तो जैसे भौतिकी है यहाँ पे देख लीजिए आपको समझाने वाला हूँ मैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है ये चैप्टर आएगा ठीक है यहाँ पर येस yes लिखा है तो आएगा अगर नो लिखा होगा तो नहीं आएगा या कंप्लीट डिलीटेड ये लिखा होगा सेलेक्टेड टॉपिक्स तो ये सामने बीच में लिख रखे हैं इनको पढ़ना है और डिलीटेड टॉपिक्स मैंने बताया जो राइट साइड में लिखे हुए हैं कॉलम में वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं राइट साइड के टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं वही डिलीट किए गए हैं आपके टॉपिक्स जो भी चैप्टर है वो तो आ रहा है लेकिन चैप्टर ज़्यादा बड़ा है तो आपको उसको छोटा करना है सारे चैप्टर तो हटा नहीं सकते क्योंकि आपको सारे चैप्टर हटा देंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस में आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आया कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं पहले चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड रहता है तो इसमें दिक्कत हो जाती है तो उसमें से कुछ टॉपिक्स जो दूसरे चैप्टर में जरूरत नहीं है उस टॉपिक्स को हटाए गए हैं समझ गए आप तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका सामने मैंने दिखा दिया आपका डिलीटेड टॉपिक है राइट साइड में और ये चैप्टर पहला आएगा यस लिखा हुआ है दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये भी आएगा लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइट साइड में लिखी हुई हैं इनको छोड़ देना राइट वाले जो डब्बे में लिखी है उसको छोड़ देना टॉपिक्स को चैप्टर आएगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर भी आएगा लेकिन राइट right साइड में कुछ टॉपिक्स लिखे हैं इनको छोड़ देना है आपको इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये भी चैप्टर आएगा इसके राइट right साइड में जो टॉपिक्स लिखे हैं इनको छोड़ देना है उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स जो हैं ये भी चैप्टर आ रहा है इसके राइट right साइड में टॉपिक्स लिखे हैं ये छोड़ देना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शंस जो है ये भी चैप्टर आएगा और इसमें से जो एडी करेंट्स हैं इसको भी छोड़ देना है अल्टरनेटिव करंट ये भी चैप्टर आएगा लेकिन इसमें से भी राइट right साइड में कुछ जो चीज़ें लिखे हैं उनको भी छोड़ देना है जिसमें अल्टरनेटिव करंट पीक एंड आर एम एस वैल्यू अल्टरनेटिक्रम वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड एम्पीडेंस एल सी ऑक्सीलेशन में अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहा हूँ चैप्टर की तो इसमें जो राइट साइड में लिखे हैं ना एल सी सी एल सी आर सीरीज ये सब छोड़ देना राइट right साइड में जो चीज़ें लिखी हैं उसको छोड़ना है ये आएगा लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये भी चैप्टर आएगा इसमें से भी कुछ चीजें यहाँ पर राइट साइड में जो लिखी है छोड़ देना है रे ऑप्टिक्स ये भी आएगा इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको जो राइट साइड में लिखी गई हैं इनको छोड़ देना है वेव जो ऑप्टिक्स है ये भी चैप्टर आएगा लेकिन इसके राइट साइड में जो चीज़ें लिखी हैं इसको छोड़ देना है और ड्यूअल नेचर ऑफ मेटर एंड रेडिएशन जो इसके राइट साइड में लिखी है इनको छोड़ देना है एटम्स ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा इसको छोड़ देना है एटम्स बिल्कुल नहीं आएगा इसको छोड़ देना है कौन सा एक टॉपिक जो है इसमें जो आएगा सेलेक्ट किया गया वेदर द चैप्टर इज सेलेक्टेड और नोट तो ये आंसर लिखा है नो तो आइटम्स को छोड़ देना है आपको ठीक है अब आ जाइए इसके बाद में आइटम्स के बाद में न्यूक्लियर आपका आएगा सेमी आएगा और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा राइट right साइड में इसके कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं इनको आपको छोड़ते हुए जाना है इनको नहीं पढ़ना है इसकी पी जो है मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसी तरह से केमिस्ट्री है तो सॉलिड स्टेट है इसमें सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर आ रहा है उसमें से सेलेक्टेड जो टॉपिक हैं उनको पढ़ना है और जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो राइट right साइड में लिखे गए हैं इसी तरह नेक्स्ट यूनिट है जिसमें आपका जो सॉल्यूशंस है इसमें भी आपको देखिए सेलेक्टेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको पढ़ना है और डिलेटेड टॉपिक्स राइट साइड में लिखे गए हैं इनको नहीं पढ़ना है इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक्स बीच में लिखा है, है और जो नहीं पढ़ना है वो राइट साइड में लिखा है केमिकल काइनेटिक्स में भी आपका जो सेलेक्टेड टॉपिक्स बीच में लिखा हुआ है राइट साइड में जो चीज़ नहीं पढ़ने हैं जो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं उनको लिख किया लिख दिया गया है सर्फेक्स केमिस्ट्री में भी बीच में आपका जो चीज़ें पढ़नी है वो लिखा गया है और राइट साइड में वो चीज़ें लिखी गई हैं जो नहीं पढ़ा गया है या नहीं पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में से बीच में जो लिखा गया है ये आपको पढ़ना है और राइट right साइड में जो लिखा गया है उसको नहीं पढ़ना है आपके राइट right हैंड में वीडियो देखते समय आपके राइट right हैंड में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है इसी तरह से आपका पी ब्लॉक एलिमेंट भी आपको पूरा पढ़ना है इसमें ग्रुप फिफ्टीन में से हटा दिया गया है कुछ चीज़ें ग्रुप सिक्सटी सेवेंटीन और एटीन में से हटाई गई हैं जो डिलीटेड टॉपिक्स के नाम से लिखी गई हैं राइट साइड में उनको हटा देना है आपको नहीं पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं राइट साइड में लिखी गई हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से भी कुछ चीज़ें राइट साइड लिखी गई हैं हेलोकेंस एंड हेलोरेंस में से आपको राइट साइड में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं इनको भी आपको नहीं पढ़ना है इसी तरह से आपको सब कुछ दिया गया एल्कोहल फिनॉल एनिथर्स में से आपको राइट साइड में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको नहीं पढ़ना है बाकी सब कुछ पढ़ना है एल्डिहाइड में से और कीटोन में से और कार्बोलिक एसिड में से भी राइट साइड में जो चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ना है बाकी सब जो सेंटर में बीच में लिखी गई हैं वो सब चीज़ें पढ़नी हैं एमाइंस में से भी राइट साइड में कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके हटा दी गई हैं उनको नहीं पढ़ना है बायो uh, बायोमोलिक्यूल्स में से भी राइट साइड में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं पोलीर poly पोलीमर्स में से भी राइट साइड में कुछ चीज़ें रख दी गई हैं और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी राइट साइड में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं इसी तरह से बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में क्या है चैप्टर वाइज ही पूरा चेंज किया गया इसमें क्या है देखिए जैसे कि पहला चैप्टर नहीं आएगा उसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और छठा चैप्टर पूरे आएंगे पहला चैप्टर छोड़ के दो से लेके छः चैप्टर तक आएंगे फिर सातवां चैप्टर जो है एवोल्यूशन ये नहीं आएगा आठवां चैप्टर है ये आएगा नौवां चैप्टर और दसवां चैप्टर दोनों नहीं आएंगे ग्यारहवा चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी आएगा ग्यारह बारहवा चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड एंड एप्लीकेशन भी आएगा तेरहवा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी आएगा इसके बाद में चौथवा है आपका और पंद्रवा है इको सिस्टम डाव, डाव, एंड बायो डायवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन नहीं आएगा उसके बाद में सोलवा क्वेश्चन जो चैप्टर है वो भी आएगा जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ पूछे जाएंगे इसके बाद में गणित की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन देखिए इसमें गणित में क्या है आपके यूनिट एक यूनिट है एक यूनिट में सब यूनिट होते हैं वन पॉइंट वन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव इसी तरह टू में आते हैं तो टू पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर आपने बचपन से पढ़ा है तो इसमें क्या एक्सरसाइज जो चीज़ें हटा दी गई हैं वो राइट साइड में लिखी हैं जैसे पहले की बात करूँ मैं समझा देता हूँ तो पहला चैप्टर तो आएगा रिलेशन एंड फंक्शन लेकिन इसमें से कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है तो वन पॉइंट टू आपको नहीं पढ़ना है बस सीधी सी बात है वन पॉइंट टू जिसमें लिखा है टाइप ऑफ रिलेशन नहीं पढ़ना है वन पॉइंट थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है वन पॉइंट फोर इन्वर्टिबल फंक्शंस नहीं पढ़ना है और 1.5 बाइनरी ऑपरेशंस नहीं पढ़ना है इसी तरह चैप्टर चाप्ट, नंबर सेकंड है ये पूरा पढ़ना है इसमें से कुछ नहीं हटाया गया चैप्टर नंबर थ्री जो मैट्रिस है इसमें से एक टॉपिक हटाया गया थ्री पॉइंट सेवन एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को हटा दिया गया है और उसके बाद में थ्री पॉइंट एट इन्वर्टिबल माइ इसको भी हटा दिया गया है अब इसके बाद में हम बात करें डिटर्मिनेंट्स में से तो केवल एक चीज़ हटाया गया फोर पॉइंट फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल पांचवा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसीबिलिटी इसमें से पॉइंट सिक्स एंड फाइव पॉइंट एंड एट जो है ये टॉपिक्स हटा दिए गए सब चैप्टर्स हटा दिए गए पाँचवें में से फाइव पॉइंट सिक्स और फाइव पॉइंट एट छठे में से आपका सिक्स पॉइंट फोर और सिक्स पॉइंट फाइव सातवें में से सात पॉइंट सात पॉइंट यानी सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट वन इंट्रीगल एज द लिमिट ऑफ एशम इसको हटा दिया गया है इसके बाद में आपको जो है ये देखिए ये है एप्लीकेशन ऑफ़ इंटीग्रल्स इसको चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है हटा दिया गया नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ना है नवा चैप्टर की बात करें तो इसको पढ़ना है लेकिन इसमें से 9.3 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है वैक्टरल जेबरा में से अगर आपको पढ़ हटाया गया है तो वो चीज़ है टेन पॉइंट थ्री एंड टेन पॉइंट फोर इसी तरह से आपका जो थ्री डायमेंशनल जोमेट्री है इसमें से भी एलेवन पॉइंट सिक्स एलेवन पॉइंट सेवन 11.8, पॉइंट 11 एट पॉइंट नाइन हटा दिए गए हैं अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर ट्वेल्थ उसको भी आपको पढ़ना है और उसमें से केवल एक टॉपिक हटाया गया है ट्वेल्व पॉइंट नाइन प्रोबेबिलिटी में से थर्टीन पॉइंट थ्री थर्टीन पॉइंट फोर थर्टीन पॉइंट सिक्स थर्टीन पॉइंट सेवन को हटा दिया गया है हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा है चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है दूसरा चैप्टर पढ़ना है तीसरा चैप्टर छोड़ देना है चौथा चैप्टर पढ़ना है पाँचवा चैप्टर नहीं पढ़ना है छठा चैप्टर पढ़ना है सातवां चैप्टर नहीं पढ़ना आठवां चैप्टर नहीं पढ़ना है नौवा चैप्टर पढ़ना है भाग तीन की बात करें तो दसवां चैप्टर आपको पढ़ना है दसवां और ग्यारहवां पढ़ना है बारहवां नहीं पढ़ना है तेरहवा पढ़ना है चौदहवा नहीं पढ़ना है पंद्रवा पढ़ना है इसी तरह से भूगोल की बात करें तो देखिए यहाँ पर भूगोल में जो है पाठ संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात छः तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना है सातवां चैप्टर आठवां चैप्टर और नौवा चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है दसवां चैप्टर पढ़ना है इसी तरह से आपका पुस्तक का नाम है भारत लोक एन अर्थव्यवस्था इसमें चैप्टर नंबर जो है और उनका नाम भी लिखे गए और यहाँ पे लिखा गया कौन सा चैप्टर पढ़ना है और नहीं पढ़ना है हाँ या ना हाँ ना ये बस दो ही चीज़ें लिखी गई हैं तो इसमें आपको सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इसमें नहीं है सीधा सीधा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं चैप्टर पूरा का पूरा कोई कोई चैप्टर हटाया गया बाकी सारे चैप्टर नहीं हटाए गए जैसे कि आपका व्यष्टि और का परिचय पूरा पढ़ना है इसमें से कुछ नहीं हटाया गया सेकंड है उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग इसको पढ़ना है लेकिन इसमें मांग वक्र में गति एवं माम माम माप वक्र में परिवर्तन इस टॉपिक को छोड़ देना है राइट right साइड में जो लिखा गया है इसको छोड़ देना है जो भी आपके चैप्टर से उनके हिसाब से सभी राइट right साइड में द्वितीय भाग में प्रारंभिक समस्या साथ रहे इसको भी आपको पढ़ना है इसमें भी हाँ हाँ लिखा हुआ है लेकिन जो राइट right साइड में टॉपिक्स लिखे हैं इनको छोड़ देना है इनको आपको नहीं पढ़ना है जो राइट right साइड में टॉपिक्स लिखे हुए हैं तो अभी इस तरह से एग्रीकल्चर थ्योरी है जो आपका इसमें देखिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल आपको पढ़ना है और जो जो ये भी बता रखा है कि इसको कितने पीरियड में कंप्लीट कराने हैं अगर आपकी क्लासेस चलती हैं तो तो बिज़नेस स्टडी में है देखिए आपके जो टॉपिक्स हैं या जो यूनिट्स हैं उनके सभी के टॉपिक्स लिख रखे हैं इन सभी को पढ़ना है आपको जो चीज़ नहीं पढ़नी होगी उसको यहाँ पर सीधा के सीधा नो लग कर दिया होगा या राइट साइड के बॉक्स में लिखा है जैसे ये देखिए यूनिट नंबर थर्ड में जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वो राइट साइड में यहाँ लिखी हुई है द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मोनिटाइजेशन एक्समाइन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी चेंजेस तो इसको आपको टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है इसको छोड़ देना है इसी तरह से आपका और भी चीज़ें हैं इसी में लिखी हुई है देखिए बिजनेस इन इंडिया विद रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन प्राइवेटलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991 डिस्कस द मैनेजरियल रिस्पांस टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है जो राइट साइड में है इनको नहीं पढ़ना है हर बार बताया है मैंने प्लानिंग फोर जो है चैप्टर जो फोर है उसमें से भी आपका प्लानिंग प्रोसेस में से कुछ टॉपिक्स को इधर राइट साइड में जो लिखा है इसको नहीं पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग नहीं पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं हटाया गया इसी तरह से नीचे यहाँ ऑर्गेनाइजिंग में से कुछ टॉपिक्स राइट साइड में जो लिखा है एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शन एंड डिवर्सनर कल्चर इसको हटा दिया गया अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हटा दी गई हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो चीज़ें हटाई गई हैं वो राइट साइड में लिखी गई हैं इन्हीं को आपको नहीं पढ़ना है बाकी सब चीज़ें को आपको पढ़ना है तो अपने बुक में उन चीज़ों पे क्रॉस कर दें जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है समझा दिया है कि आपको कैसे देखना है आपको कैसे पढ़ना है आप क्या करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम्स के लिए हमने जो आपके क्वेश्चन पेपर्स है वो डाल दिए हैं टॉपर्स की कॉपियाँ डाल रखी हैं आपके लिए और जितने भी स्टडी मटेरियल है आपके लिए डालते जा रहे हैं आपके जितने भी हम हेल्प करवाए करेंगे उतना ही आपको आ, कम ही पड़ेगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने हेल्प बहुत ज़्यादा कर दी है लेकिन हमारा काम है आपको हेल्प करना इसी तरह अकाउंटेंसी है इसमें से देखिए यूनिट है और राइट साइड में जो चीज़ है चैप्टर वन का वो चीज़ नहीं पढ़नी है जैसे चैप्टर वन में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम फॉर द ईयर प्रिपेसन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर इनमें सभी में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं और उनमें चैप्टर जो जो हैं उन चैप्टर में से क्या क्या हटा दिए गए हैं तो राइट साइड में लिखे गए हैं इनको आप जरूर पढ़ लें इसके पी डी एफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है वहाँ से इसको डाउनलोड करना ना भूलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसी तरह से आपका बिजनेस मैथ मैथेमेटिक्स है आपका मैट्रिकस है सेट थ्योरी है स्टेटिस्टिक्स है सभी कुछ यहाँ पे दे रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरे सब्जेक्ट्स जो आपके ऑप्शनल है वो भी इसमें दिए गए हैं देखिए देखिए वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल जिसमें आपका खेती बागबानी और आपके जो ऑटो टेक्नीशियन के ब्यूटी थेरेपिस्ट के होम साइंस के जनरल ब्यूटी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर के बहुत सारे चीज़ें जो टेक्सचर आर्टिस्ट के इसके बाद में सेल्स एसोसिएट के जिनके भी सलेबस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं तो आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो के डि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पी फाइल दी गई है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डाउनलोड कर लें कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड